The freedom of speech. God bless you. The whole audience has seen your real face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington today. And thank you for showing the world how cruel, how indecent these people are. This is what this they is are the doing same in Kashmir. Thing they do in That's Kashmir. Why they tried to silence me with a barrel of AK-47. मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानियों के दिमागों में ना एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है कि कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रही हूँ, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वहां के लोग आजाद नहीं है। हम अपनी नेबरिंग कंट्री के साथ दुश्मनी लगा के रुस के बैठे हुए और वो कहां से कहां पहुंच गई। भी ना करो उनसे मोहब्बत, आपको मोहब्बत नहीं करनी, आप ना करें, पर एडमायर तो करो यार, सीख तो लो उनसे कुछ कि वो कहां से कहां पहुंच गए। और जो उनका मेयार है, हम तो उनके पांव की जूती भी नहीं है। एक बुरी खबर दम तोड़ती है, दूसरी से ज्यादा बुरी खबर हमारा दरवाजा खटखटा रही होती है। कि जब तक कश्मीर के मसले को हम एक तरफ नहीं रखते, इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। मुसलमानों को रमजान में वो एक दिन में रिलीफ नहीं मिली जो इंडिया ने एक दिन में मुसलमानों को रिलीफ दी है। तो और हम गिले शिकवे भी उनसे ही कहते हैं कि आप लोग ऐसे हैं, आप लोग वैसे हैं, आप लोग वैसे, और सुकून भी वो मुसलमानों को ही दे रहा है। अगर हम कश्मीरियों की बात करें तो कश्मीरी तो ये कहते हैं कि हमारी शनाख्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता चला है कि पोर्चुगल के गोल्डन वीजा के लिए तकरीबन 3 लाख से ज्यादा जो एप्लीकेशंस पाकिस्तान से कहीं है। पहले हमारे आईडी कार्ड पे लिखा जाता था आजाद कश्मीर, लेकिन अब हमारे आईडी कार्ड पे लिखा जाता है पाकिस्तानी। सर से पांव तक हम कर्जे में डूबे हैं। पाकिस्तान में जो बच्चा भी पैदा होता है वो कर्जे में पैदा होता है, लेकिन हम गलतियों से कुछ नहीं सीख रहे। और मैंने निमरा की वीडियो में भी देखा था, वहां पे दुकानदार बकायदा तौर पर अपना आईडी कार्ड शो कर रहा था कि ये देखें, यहाँ पे पहले आजाद कश्मीर लिखा होता था, यहाँ पे पाकिस्तान लिखा होता था। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है। और पाकिस्तान कश्मीर में तरक्की को देख करके आग बबूला हो रहा है और उसे चैन भी नहीं आ रही है। दोस्तों, आज वॉशिंगटन DC में एक प्रोग्राम रखा गया कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर के, जिसमें कश्मीर के 2 युवाओं नेता को बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई। दोस्तों, इसी दौरान एक पाकिस्तानी इस प्रोग्राम के अंदर घुस गए और इस प्रोग्राम को बाधित करने की कोशिश की गई, जिसके बाद दोस्तों वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं द्वारा उस आदमी को धक्के मार करके बाहर निकाला गया। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा में उलझा रहा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच POK एक्टिविस्ट यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली, और उन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर के POK की नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन POK को उसका थोड़ा भी फायदा नहीं मिल रहा है। और इसके साथ साथ POK को थोड़ी भी आज़ादी नहीं मिल रही है और वहाँ का मीडिया पर बैन भी लगा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दे आर इन जेल फॉर टेरर फंडिंग, दे आर इन जेल फॉर मनी लॉन्ड्रिंग्स, there are n number of things why they are in jail. I wish they were saints and today we could have advocated for them, but I must tell you what they are facing at the moment of at this time. They are facing the rule of law. You're not proving anything. This is the real face. That's when we speak the truth. We face people like them. Excuse me, sir. I hope, sir. Let's be civilized, sir. I hope they maintain the decency and decorum of this quorum. I understand that, sir. Sir, they are most welcome in their questions, but in a very decent way. We are here. Sir, it's not, but the Q&A is not over yet, sir. We are here to speak what we have seen with our naked eyes. We are here to
No, you can stay, sir. You can stay, sir. You can stay, sir. Tell you the reality. Thank you very much. God bless you. Sir. God bless you. Thank you. We still love you, sir. Please. Thank you. God bless you. The whole audience has seen your real face today. What we have seen in Kashmir, we saw in Washington today. And thank you for showing the world how cruel, how indecent these people are. You have seen it all. And this is what they did in Kashmir. This is what this they is are the doing same in Kashmir. Thing they do in That's Kashmir. Why they tried to silence me with a barrel of AK-47. If you give them the 47, they will shoot us dead here right away. That is, they don't want to face the truth. That is their reality. कि क्या आपको लगता है कि इस टाइम जो है हमारे ही अदारे हमारे ही मतलब बहुत ज्यादा ऑफिशियल जो चैनल्स हैं वो भी ये कह रहे हैं लोग ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अच्छे तालुकात बनाने चाहिए इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए आप लोगों को क्या लगता है कि हमें इस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी इस टाइम बूस्ट नहीं हो रही इकोनॉमी डिफॉल्ट की तरफ जा रही है हमें क्या स्टेप लेना चाहिए अनम मेरा मानना यह है कि हमें ये इकदाम जो है ना वो बहुत साल पहले ले लेना चाहिए था क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से जो है ग्रो करती हुई इकॉनमी है दुनिया की पांचवी बड़ी मौशत वो बन चुकी है तीसरी बनने के करीब है सुपर पावर बनने जा रही है और हमारे सियासतदान वक्तन फवक्तन की बात हमें पहले भी कहते रहे हैं कि हमें अगर अपने हालात बेहतर करने हैं तो हमने ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे अब आप देखें कि इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी लेकिन इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारी ट्रेड बंद कर दी हमारी बहुत सारी चीजें इंडिया से आती थी जो कि बंद हो गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस वक्त सारी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक किए हुए हैं इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया में जाकर जो है G20 की जो है समिट वो अटेंड कर रहे हैं बट अच्छे टर्म्स है हर कंट्री के इंडिया के साथ तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी फायदा उठाना चाहिए अपने हमसाय मुल्क भारत से इस वक्त बात भारत की नहीं है हमारे जिस जिस कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं किसी के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हमें इंडिया के साथ ईरान के साथ अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो अदरवाइज हम बहुत अरसा पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है ठीक है अब हम माने या ना माने ये हमारी अपनी मर्जी है लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात है सब इससे बाखूबी वाकिफ है तो मैं तो यही कहूंगी कि हालात और वक्त का तकाजा यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है हाथ मिला लेना चाहिए और बहुत पहले कर लेना चाहिए था चले कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी वक्त है इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए बिल्कुल मुत्तफिक हूँ सनापी की बात से जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इस वक्त हमारी जरूरत है कि हम हमारा बॉर्डर जिन जिन के साथ लगता है जो भी हमारी नेबर कंट्रीज है अगर नेबर कंट्रीज नहीं भी है तब भी ये पाकिस्तान उस सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है कि जिसके साथ भी उसको ताल्लुकात बेहतर करने पड़े कर लें ताकि फायदा हम ही हो और एक जो 1947 से लेकर अभी तक कश्मीर का मुद्दा जो चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक जितने भी लोगों से कश्मीर के बारे में पूछा या जो भी मेरे कश्मीर के टॉपिक्स होते हैं उन लोगों को आजाद कश्मीर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती उनको ये तक नहीं पता होता कि आजाद कश्मीर के लिए कितना बजट रखा जा रहा है स्कूल्स की तादाद कितनी है हॉस्पिटल्स की तादाद कितनी है क्या मामला थे वहां पर लेकिन उनको एक बात जरूर पता होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और कश्मीर है पाकिस्तान और कश्मीर है पाकिस्तान की शहरग ये जो डायलॉग्स है ये जबान पर रट्टे हुए मिलते हैं लेकिन जहां तक बात की जाए कि आप अंदरूनी मामला क्या जानते हो वो नॉलेज सिफर है यहाँ पर और अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के बारे में तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी यही हालात है उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि हम मकबूजा कश्मीर हासिल करके रहेंगे और हम अपने कश्मीर को बढ़ाना चाहते हैं कश्मीर पर हक हमारा है जो कि इंडिया ने जबरदस्ती ले लिया था किसी किस्म की डेवलपमेंट का किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं होता सिर्फ एक बात रटी रटाई है कि हमने तीन जंगें की हैं कश्मीर पर तो कश्मीर हम हासिल करेंगे हमने जंगें जीती हैं विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी फैक्ट एंड फिगर
ये दोहराए जाते हैं अल्फाज, जबकि आप भी जानती हैं, आपने भी विजिट किया, मैंने भी विजिट किया, और हमें जो वहां पर हालात देखने को मिले वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा वायरल है। उसके अलावा कश्मीरियों का जो नारा था कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है और एक लम्हा फिक्रिया है कि जब कश्मीरी क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, तो फिर रह क्या जाता है, फिर हम किस तरीके से, किस मुंह से डिमांड करते हैं कि हमने मकबूजा कश्मीर को भी हासिल करना है। आप दोनों से एक और बहुत अहम सवाल मेरा ये है, अगर हम बात करें कश्मीर, जो कि हमारे एक शुरू से अभी तक यूएन का सबसे ज्यादा मेन मसला रहा है कि हमारी डेवलपमेंट हो या फिर हमारा डिफॉल्ट का रास्ता हो, लेकिन हमने कश्मीर का मुद्दा लाजमी यूएन के अंदर रखना होता है सबसे पहले जाके, तो कश्मीर पे मैं बात करना चाहूंगी। कश्मीर में ये कहा जाता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके अलावा अगर ये हम देखें तो वो यहाँ से ये पोर्ट्रेट किया जाता है कि कश्मीर के अंदर जो है औरतें स्पेशली महफूज नहीं है। क्या लगता है बींग अ मुस्लिम, बींग अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है दोनों को, स्पेशली निमरा आपने तो विजिट भी किया है और उस जानिब देखा भी है, तो मैं आप दोनों से ये, और आपका माशाल्लाह तजुर्बा है, तो मैं आप दोनों से ये मतलब मेन सवाल करना चाह रही हूँ कि बींग अ वुमेन आपको क्या लगता है कि वहां की औरतें क्या महफूज नहीं है? अनम आप, हम दोनों ने विजिट किया था कश्मीर का एक साथ, ठीक है। जहां तक आपने बात की है कर्फ्यू की, तो जब हम LOC के पॉइंट पर गए थे, आपको भी पता है कि वहां के लोग क्लियरली हमें दिखा भी रहे थे, हमें बता भी रहे थे कि ये रहा उनका स्कूल, ये रहा उनका टावर, ये रहा उनका मंदिर, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी कब से कब तक रही वो भी हमें बताया गया, ठीक है। तो हमारे अपने कश्मीरियों ने भी ये गिला किया था कि वो देखें वहां पर टावर लगा हुआ है एंड वी हैव नो सिग्नल इन आवर फोन्स, आपने भी सुना होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि उस साइड पे ये क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। तो हमें, हमें भी उन लोगों ने बताया था कि आप वो देखें यहाँ पर ये डेवलपमेंट है, ठीक है। दूसरी बात, आपने औरतों की बात की है, तो मैं नीचे देहात वाली साइड पर गई थी कुछ डैम के सिलसिले में बातचीत करने, तो वहां पर औरतों से मैंने बात की थी स्पेशली, तो वो औरतों ने मुझे क्लियर कट बोला कि आई एम सॉरी, मैं दिल से पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया है, उन्होंने बोला गवर्नमेंट पाकिस्तान की है, उन्होंने बोला कि हमारे हर डिपार्टमेंट में सरबराही पाकिस्तान का बिठाया जाता है, हमें ऐसा नौकर ट्रीट किया जाता है, हमें अपनी सरबराही के नीचे रखा जाता है, ये थे उनके अल्फाज।